बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आज पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। देश के लिए वीर सपूत का ये बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। आतंकियों की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शनिवार को हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी, कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन, सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सूरनकोट में हमला स्थल का दौरा किया। माना ये जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK-47 राइफल और अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन राइफल और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया है। शनिवार को हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुए हैं, जिनका नाम विक्की पहाड़े था और वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। विक्की पहाड़े 2011 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। अपनी छोटी बहन की शादी के बाद 18 अप्रैल को यूनिट में वापस लौटे थे। आज शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एबीपी न्यूज विक्की पहाड़े की शहादत को सलाम करता है। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब इस पर सियासत हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है, जिससे एक बार फिर से विपक्ष के इरादों पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है और अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। आखिर इस बयान के मायने क्या है? फारूक अब्दुल्ला कहना क्या चाहते हैं? उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखे, और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। ये धमकी किस लिए? पीओके को लेकर फारूक अब्दुल्ला के ये जहरीले बोल न केवल विवादित हैं, बल्कि खून खौलाने वाले हैं। और ये बयान उस वक्त आया है जब पुंछ में वायुसेना के एक वीर सपूत ने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। फारूक के पाक राग पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क गए। उन्होंने पूरे विपक्ष को चेतावनी दे दी। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। दरअसल पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर भारत का पक्ष रखा था। भारत नो क्लेम यथावत छे, पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत नो छे अने रहेशे। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।